हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं बनाऊंगी कच्चे आलू के अप्पे, जो कि टेस्टी और हेल्दी हैं, साथ ही बहुत ही झटपट ये बन के रेडी हो जाएगा। कच्चे आलू के अप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कच्चे आलू लिए हैं। उनको मैंने छील करके पानी में डाल दिया है ताकि आलूओं का जो कलर है वो चेंज ना हो। अब हमें आलूओं को ग्रेट करना है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके का ग्रेटर लिया है। अब इसे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे और ग्रेट करके आलूओं को पानी में ही डालेंगे ताकि आलूओं का जो कलर है वो काला ना पड़ने पाए। इसी तरीके से दोनों आलू को ग्रेट कर लूँगी मैं। और ये देखिए, दोनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका जो पानी है वो निकालना है आलूओं का, तो अब हम इसको छानेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लूँगी। कॉटन के कपड़े में जितने भी आलू के पानी होंगे उसको निचोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लिया है, उसके नीचे मैंने स्ट्रेनर रखा है। अब सभी आलूओं को इस तरीके से कपड़े में डाल देंगे और उसको अच्छे तरीके से हम निचोड़ेंगे आलूओं को, ताकि आलू में बिल्कुल भी पानी ना रहे। ये देखिए, अच्छे से निचोड़ लेंगे पानी को। और इस तरीके से पानी जो है पूरी तरीके से निकल जाता है कपड़े में करके डालने से। ये देखिए, आलूओं को मैंने पानी जो अच्छे से निकाल लिया है, आलू बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, तो इसको एक अलग बाउल में डाल लिया है। अब इसमें बाकी की सारी चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है, प्याज डाल देंगे कट करके। एक मैं यहाँ पे ग्रीन चिली डालूंगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली आप स्किप कर दें। ग्रीन चिली डाल देंगे। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आप चाहे तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं ग्रेट करके, और शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, क्योंकि ये जो अप्पे हैं वो थोड़े से स्पाइसी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स या ग्रीन चिली स्किप कर दें। अब इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं डालूंगी इसमें 3 टेबल स्पून चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। चावल का आटा डालने से ये बाइंडिंग का भी काम करेगा और ये जो अप्पे हैं ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको चावल का आटा बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो चावल के आटे का ही टेस्ट ज़्यादा आएगा इसमें। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऊपर से पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलूओं में इतनी नमी होती है कि अच्छे से बाइंड हो जाता है ये। तो सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए ये। मैंने अब एक अप्पे पैन लिया है, अब उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगाना है। अप्पे पैन गर्म हो गया है, तो हमने जो आलू के बैटर रखे हैं उसको अप्पे पैन में भर देंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे इस तरीके से 1-1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ भर भर के, और डाल करके इसको अच्छे से प्रेस करके सेट कर देंगे। तो सभी अप्पे पैन को हम इसी तरीके से भर लेंगे आलू के बैटर से। और आलूओं को डाल करके अच्छे से उसको प्रेस करके सेट कर देना है। और ये देखिए, मैंने सभी अप्पे पैन को भर लिया है, तो अब इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर इस अप्पे को बनाना है। 3 मिनट के बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और इसके किनारों पे अब थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, सिर्फ 1 से 2 बूंद ऑयल डालेंगे इसमें। और इस अप्पे को लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से ये पक जाए। ऑयल डालने के बाद सभी अप्पे को पलट लेंगे और ये देखिए, नीचे की साइड से अच्छा सा कलर आ गया है और अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो गया है। इसी तरीके से सभी को पलट लेंगे, दूसरे साइड से पका लेंगे। और मैंने इसको फिर से ढक दिया है 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। 3 मिनट के बाद हम पैन का ढक्कन हटाएंगे।
फिर इसको हम चेक करेंगे कि ये हो गया है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड, नीचे की साइड से भी अच्छे तरीके से ये क्रिस्पी हो गया है। तो ये जो अप्पे हैं ये बन गए हैं। इसको बनाने में टोटल 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से ये क्रिस्पी हो गया है। तो अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको एक अप्पे तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कच्चे आलू के जो अप्पे हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। ये खाने में टेस्टी तो है ही, साथ में हेल्दी भी बहुत हैं और बहुत ही झटपट बनने वाला ये नाश्ता है और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये अप्पे की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोगों को ये अप्पे की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर हिट करिएगा।